भैया बहुत ही प्यारा इंसान हो, और जो भैया मुझे यहाँ पर मिले हैं उनसे मिलकर इतना अच्छा लगा। काकू को स्लिप ना कर जाए यहाँ से, कलकत्ता से फूल लेकर आते हैं पूरी, और फिर पूरी से वापस जाते हैं। आप जाते हैं जो मिला दुकान से? अच्छा, दुकान से खरीदे कम मिला। जय हिंद, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे उम्मीद करता हूँ। फिलहाल मैं हूँ पुरी में, पुरी का स्वर्ग द्वार बीच है ये, देख सकते हैं कितने लोग यहाँ एंजॉय करने के लिए आए हैं। आप लोग भी आइए यहाँ एंजॉय करने के लिए, समुद्र के अलावा भी यहाँ घूमने फिरने के लिए बहुत कुछ है। चार धामों में एक धाम श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी का यहाँ दर्शन भी हो जाएगा। अच्छा, मंदिर में दर्शन करने के लिए कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दोनों डोज कम्प्लीट वाला होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको मंदिर के अंदर दर्शन करने नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ यदि पूरी आने का प्रोग्राम कर रहे हैं तो दोनों डोज लगवा के आइएगा। फिलहाल आज हम जाने वाले यहाँ से कलकत्ता, ट्रेन नंबर 12838 पूरी हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस में आज हम जर्नी करने वाले हैं। तो रात के 7:15 बज चुके हैं और अब हम पहुँच चुके हैं पूरी रेलवे स्टेशन, और हमारी ट्रेन नंबर 12838 पूरी हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस लगी हुई है पूरी के 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर। यहाँ से यह गाड़ी चलेगी रात 8:15 बजे, और लगभग 500 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 8.5 घंटे बाद हम पहुँच जाएंगे हावड़ा सुबह 4:45 में 4:45 बजे। ये पूरी और हावड़ा के बीच एक डेली ट्रेन है। तो चलिए शुरू करते हैं सफ़र को। स्लीपर में जर्नी होने वाली है, S4 कोच है, 57 यानी लोअर बर्थ सीट है। तो कुछ ऐसा है इस गाड़ी का स्लीपर कोच, यहाँ आप इसके ऊपर आप खाना खा सकते हैं, यहाँ चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, साफ़ सफाई भी काफ़ी अच्छी है। वॉशरूम की साफ़ सफाई कुछ खास नहीं है, इसे लगा देते हैं। यहाँ एक डस्टबिन दिया हुआ है, यहाँ एक डस्टबिन दिया हुआ है, और ये पानी वाला नल, पानी भी आ रहा है। और इस गाड़ी को खींचेगी संतरागाछी सेट का WEB 7 लोकोमोटिव। 22 है ये, 23 नीचे वाला, ये वाला। काकू को स्लिप ना कर जाए यहाँ से, हमारी पूरी हावड़ा सुपर फास्ट चल चुकी है पूरी के 7 नंबर प्लेटफॉर्म से ऑन टाइम, और जर्नी अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप लोग पूरी आते हैं तो कम से कम 2 से 3 दिन के लिए यहाँ जरूर आइए, यहाँ आकर एक गाड़ी रिजर्व कीजिए, और 3000 रुपये के आसपास लेगा और वो आपको पूरा पूरी घुमा देगा। 3000 में वो आपको चंद्रभागा, कोणार्क मंदिर, भुवनेश्वर में जो लिंगराज मंदिर है, नंदनकानन, खंडगिरी, उदयगिरी, ये सब, और उसके अगले दिन घूमने चले जाइए चिल्का झील। ऑल इन वन है पूरी घूमने फिरने के लिए। और जिन लोगों की नई नई शादियाँ हुई है वो लोग भी यहाँ आ सकते हैं हनीमून मनाने के लिए। यहाँ आते हैं तो यहाँ का रसगुल्ला जरूर टेस्ट कीजिएगा, काफ़ी फेमस है यहाँ का, और खाजा भी अपने परिजनों के लिए भी ले लीजिएगा रसगुल्ला और खाजा। काफी रफ्तार से चल रही है, कितना है चेक नहीं किए, लेकिन अच्छी खासी रफ्तार है। काकी नाम की? ना बाबा। अच्छा, बाथरूम गए थे, खुर्दा तो सामान लीवो। खुर्दा रोड जंक्शन, आराम से ज्यादा यार। तो पूरी से लगभग 44 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी पूरी हावड़ा सुपर फास्ट पहुंच चुकी है अपनी तीसरी स्टॉप, जो कि है खुर्दा रोड जंक्शन। जंक्शन इसलिए है क्योंकि अब हमारी गाड़ी इंटर कर चुकी है हावड़ा चेन्नई मेल लाइन में, और ये खुर्दा उड़ीसा का एक जिला भी है। रेलवे के हिसाब से हम खुर्दा डिवीज़न में ही है, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के। काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है ये खुर्दा रोड जंक्शन 7 प्लेटफॉर्म का। कुछ प्रीमियम ट्रेनों को छोड़कर लगभग सभी ट्रेनें इस खुर्दा रोड जंक्शन में रुकती है। गाड़ी का यहाँ 5 मिनट का स्टॉप है। खाना का पत्ता ज़्यादा धोकर ही खाना चाहिए, है कि नहीं? नहीं, बात वो नहीं है, पत्ता जो मिला दुकान से। अच्छा, दुकान से खरीदे कम मिला। अच्छा, इसलिए वो शेयर करके खाना पड़ा।
अच्छा सेव कीजिएगा, क्या करोगा? नहीं नहीं सही बात है, कुछ लोग जानते हैं इसमें वो चीज़ फेंक देते हैं जो कि इसमें नहीं फेंकना चाहिए, और ये मतलब जाम हो जाता है और ये भर जाता है। आप सही क्या करेगा, कहाँ फेंकेगा? इतना बड़ा चीज़ डस्टबिन दिया हुआ है, तो बड़ा बड़ा चीज़ बड़ा बड़ा चीज़ फेंकने का डस्टबिन दिया हुआ है, जो कि इसमें बहुत सारे लिक्विड टाइप का। आप सही एकदम। अच्छा, फ्रॉम पूरी टू हावड़ा इस गाड़ी का किराया है जनरल का 195 रुपया, स्लीपर का है 340, थर्ड एसी का है 880, सेकेंड एसी का है 1235, और फर्स्ट क्लास भी है इसमें जिसका किराया है 2050 रुपया। यानी इस गाड़ी में 200 रुपये वाले भी सफ़र कर रहे हैं और 2000 वाले भी, लेकिन सबका डेस्टिनेशन एक है। इस गाड़ी में पेंट्री कार नहीं है, लेकिन ऑन बोर्ड कैटरिंग है, यानी खाना आपको मिल जाएगा। हाँ, लेडीज थोड़ा कर लीजिए। हाँ, वैसे भी ओवरनाइट का जर्नी है। भुवनेश्वर, यहाँ भी कुछ लोग चढ़ेगा। समय है रात के 9:40 और अब हमारी ये पूरी हावड़ा एक्सप्रेस पूरी से लगभग 63 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पहुँच चुकी है उड़ीसा की राजधानी और स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया भुवनेश्वर पहुँच चुके हैं हम। ये भुवनेश्वर भी आता है उड़ीसा के खुर्दा जिले में, और रेलवे के हिसाब से ये भुवनेश्वर भी आता है खुर्दा डिवीजन में, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में। लेकिन ये ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर ये भुवनेश्वर में है। यहाँ घूमने फिरने के लिए तो बहुत कुछ है, पास में ही यहाँ से लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है लिंगराज मंदिर, काफ़ी फेमस मंदिर है भोले बाबा का, 180 फीट की ऊँचाई है, कलिंग शैली में बना हुआ है। गाड़ी का यहाँ 7 मिनट का स्टॉप है, गाड़ी यहाँ बिफोर ही पहुँच चुकी है, लगभग 10 मिनट यहाँ रुकने वाली है। ये सब भाई मिले हैं, ये सभी हैं महाकाल नगरी के, उज्जैन के। हाय गाइस। हेलो गाइस। अपने बारे में कुछ बताइए। मैं तो भैया बहुत ही प्यारा इंसान हूँ, और जो भैया मुझे यहाँ पर मिले हैं उनसे मिलकर इतना अच्छा लगा मुझे। क्या अच्छा, आप अपने उज्जैन के बारे में कुछ बताइए ना। उज्जैन में सबसे बेस्ट चीज़ है जो कि महाकाल बाबा की नगरी होती है, बाबा उनके सिपाही है जो काल भैरू है, जहाँ पर दारू चढ़ती है। अच्छा भैया, भुवनेश्वर आप लोग घूमने फिरने आए हैं? जी, हमारा नेशनल था स्विमिंग इंटरनेशनल इंटर भैया बता रहे थे, यूनिवर्सिटी नेशनल था हमारा, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी नेशनल जो कॉलेज में होता है 25 ईयर्स। कॉलेज के थ्रू यहाँ आए थे? अच्छा, हाँ कॉम्पिटिशन होते रहता है कॉलेज के थ्रू, हम लोग भी थे ना स्कूल में तो कॉम्पिटिशन हुआ करता था, कुछ तो जीते लेंगे, बड़ी मजा आता था। मजे करने आते हैं, अच्छा करा। यहाँ घूमे कुनार? घूमे यहाँ कुनार के, यहाँ लिंगराज मंदिर है आपका? लिंगराज मंदिर गए, कैसा लगा? सूर्य अपने कुनार गए, सूर्य भगवान का पहला उदय वही होता है। जय जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। खंडगिरी है, उदयगिरी है आपका, यहाँ धौलीगिरी है जहाँ अशोक और कलिंग राजा के बीच युद्ध हुआ था, वहाँ एक शांति स्तूप भी बना हुआ, वहाँ घूमे? वहाँ भी घूमे, चिल्का झील। चिल्का झील, चलिए ठीक है तब भैया, मेरा ट्रेन का सीजन हो चुका है। बाय बाय। सब्सक्राइब करना भैया के चैनल को, बहुत अच्छा चैनल है। का नाम है सफ़र। बहुत सारे लोग बोलते हैं सफ़र में मज़ा मंजिल से ज़्यादा रास्तों में ही आता है, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे लोग जो मिलते हैं बतियाते बतियाते सफ़र कट जाता है। अब जाइएगा हावड़ा, अब जाइएगा हावड़ा से राइट टाइम गाड़ी पहुँच जाते हुआ ना? हाँ राइट टाइम। यहाँ से फूल ले जाते हैं कलकत्ता से, कलकत्ता से फूल ले जाते हैं पूरी, और फिर पूरी से वापस जाते हैं, मतलब कोलकाता से पूरी फूल आता है ना, आप लोग लेके आते हैं पूरी में फूल व्यक्ति नहीं होता है नहीं। इस गाड़ी से आप जाइएगा हावड़ा तक। कटक जंक्शन, रात के 10:15 बज चुके हैं, और अब हमारी ये पूरी हावड़ा एक्सप्रेस पूरी से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पहुंच चुकी है फॉर्मर कैपिटल ऑफ उड़ीसा, और उड़ीसा का दूसरा सबसे बड़ा शहर मिलेनियम सिटी सिल्वर सिटी कटक पहुंच चुके हैं हम। कटक का कटक जंक्शन है ये, गाड़ी का यहाँ 5 मिनट का स्टॉप है। अच्छा, ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि हावड़ा चेन्नई मेल लाइन के अलावा यहाँ से एक लाइन जाती है पारादीप की ओर, और एक लाइन जाती है यहाँ से संबलपुर की ओर, यानी अच्छा खासा जंक्शन ये कटक जंक्शन भी है। इस ओर जा रही है सिलघट ताम्बरम एक्सप्रेस,
सिलघट टाउन ताम्बरम। ताम्बरम चेन्नई का रेलवे स्टेशन है। एक मिनट बचा है, अभी गाड़ी खुल रहा है। चलिए काकू बैठिए। हो गया जाने और कुछ गाड़ी सुसु हो गया। सुसु सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है खड़गपुर जंक्शन। खड़गपुर जंक्शन जिसका कि प्लेटफॉर्म एक समय काफ़ी लंबा हुआ करता था, अभी भी 2 या 3 नंबर पर है। खड़गपुर आता है बंगाल के मिदनापुर जिले में और रेलवे के हिसाब से हम आ गए साउथ ईस्टर्न जोन के खड़गपुर डिवीजन में ही। और ये खड़गपुर वही जगह है जहाँ हमारे देश में सबसे पहले IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई थी आज से 70 साल पहले 1951 में। खड़गपुर में वैसे बहुत कुछ है लेकिन ये अपने IIT हब के लिए ही ज़्यादा जाना जाता है। बाकी गाड़ी का यहाँ 5 मिनट का स्टॉप है। जंक्शन पॉइंट इसलिए है ये खड़गपुर क्योंकि हावड़ा चेन्नई मेल लाइन के अलावा यहाँ से एक और लाइन गई है मिदनापुर आगरा की ओर, और एक लाइन यहाँ से गई है टाटा नगर की ओर जो कि है हावड़ा टाटा नागपुर मुंबई मेल लाइन। ये सब फूल है, फूल, गेंदा फूल, गुलाब फूल, ये लोग सब पूरी से यहाँ से पूरी एक्सपोर्ट करते हैं। गाड़ी का यहाँ 5 मिनट का स्टॉप है और ये गाड़ी काफ़ी बवाल ट्रेन है, मतलब ऑन टाइम ही है, 2 मिनट लेट है और रफ्तार इसकी मतलब अच्छा है। यहाँ से ये गाड़ी चलने के बाद सीधा रुकेगी हावड़ा। जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस। सुबह के 5 बज चुके हैं और फाइनली हमारी 12838 पूरी हावड़ा पहुंच चुकी है अपनी हावड़ा, 15 मिनट लेट, और यहीं पर ख़त्म हो जाती है इस गाड़ी की ट्रेन जर्नी। काफ़ी अच्छी ट्रेन है ये पूरी से हावड़ा या हावड़ा से पूरी जाने के लिए। हावड़ा से पूरी ये गाड़ी चलती है हावड़ा से रात 10:40 में और पूरी पहुँचती है सुबह 7 बजे के आसपास। तो यही थी पूरी हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी। अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पर नए हैं तो। बाकी यहाँ से सोच रहे चल जाए रक्सौल मिथिला एक्सप्रेस से। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्रेन जर्नी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।